हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलाइसब्लू। मैं हूं डिफेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड मार्केट ट्रेंड एंड मार्केट रेंज। और आज क्रूड ऑयल क्या होने वाला है उसका ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल पिवट पॉइंट, आप एक बार देख सकते हैं यहाँ पे। आज पिवट पॉइंट है 4923, रेजिस्टेंट फर्स्ट 4993, सेकंड रेजिस्टेंट 5048, सेकंड थर्ड रेजिस्टेंट 5118, फर्स्ट सपोर्ट 4868, जस्ट मार्केट ओपन अबव द फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट यू कैन सी हियर 4798 एंड थर्ड सपोर्ट 4743। तो ये देख सकते हैं क्रूड ऑयल जो मैंने पहले दिया था वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसमें ही मार्केट ब्रेकआउट करके ये आप देख सकते हैं 100 मूविंग एवरेज का नीचे आ गया। तो नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक सपोर्ट मिला हुआ है 4788, इसका आसपास एक सपोर्टिंग जोन मिला हुआ है और मैंने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ किया ये। तो आप देख सकते हैं लोअर पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ पे 150 मूविंग एवरेज के आसपास में एक सपोर्टिंग जोन मिला हुआ है। तो इसमें देख सकते हैं स्टोर स्टिक एंड सीसीए ओवर सोल जोन में है, ये लास्ट फ्यू डेज आप देख सकते हैं ओवर सोल जोन में है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अराउंड 4788 में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, राइट। तो आप अगर हम 4 आवर में देखें तो 4 आवर में आप देख सकते हैं ये मार्केट कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड आ रहा था, एक लोअर लो बना के, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं यह पहले हायर था, पुल बैक हुआ, नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस हाई, दिस इज द हाई पॉइंट एंड दिस वाज द लो पॉइंट, आफ्टर दैट दे क्रिएट अ न्यू लोअर लो, यू कैन सी इट्स अ न्यू लोअर लो एंड मार्केट पुल बैक नियर 100 मूविंग एवरेज, अगेन दे आर नॉट एबल टू ब्रेक द प्रीवियस हाई एंड अगेन दे क्रिएट अ लोअर लो। सो यू कैन सी दिस वन, तो ये जो है इसमें फुल्ली डाउन ट्रेंड कन्फर्म कर दिया क्योंकि लास्ट सपोर्टिंग जोन यहाँ पे था हमें। तो बाद में एक पुल बैक हुआ, लोअर हाई बनाया, तो बाद में एक लोअर लो बनाया, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा करेक्शन दिया तो फिर से एक लोअर लो बनाने का कोशिश कर रहा है, तो ये जोन में, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक स्टिक भी थोड़ा बहुत गया पहले, एक बात कन्फर्म करना चाहिए, तो स्टॉक स्टिक ओवर बहुत जोन में गया ही नहीं, उसका पहले ही वापस आ रहा है। जब डाउन ट्रेंड क्रिएट करता ऐसा ही होता है, तो बाद में ये थोड़ा ओवर बहुत जोन में 80 के आसपास गया था, तो मुझे लगता है इसका सपोर्टिंग करके फिर से यहाँ पे ये क्रॉस ओवर करने का कोशिश करेगा मुझे लगता है, राइट। यहाँ से तो कहाँ तक, ये जोन तक, तो इसलिए हमें ये कन्फर्म करना चाहिए। अभी तो हमें 4 आवर में हमें कन्फर्मेशन मिल गया, मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो अभी देखना है हमें एंट्री कहाँ करना है, एसएल कहाँ लगाना है। ज़्यादा सब प्रॉब्लम होता है एंट्री और एसएल में, तो उसको मैं क्लियरिफाई कर देता हूँ, एसएल कैसे लगाना है, एसटीपी और बुक प्रॉफिट कहाँ तक लेना है उसका बारे में। तो अभी हमें कन्फर्म हो गया 4 आवर में, राइट। तो इसमें डाउन ट्रेंड है, तो अभी हम अथा 15 मिनट में जो छोटा टाइम फ्रेम फुल्ली क्लियरली डाउन ट्रेंड है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट 15 मिनट में भी एक गैप डाउन में ओपन हुआ है मार्केट। तो आप यहाँ पे जा सकता है सेल के लिए, लेकिन अगर सेल लेना चाहे तो इसमें थोड़ा मार्केट गैप अप, सॉरी गैप डाउन में ओपन हुआ है, तो इसलिए थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हो सकता है, तो बेटर होगा तो रिट्रेसमेंट के लिए वेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसमें भी थोड़ा एक हमें कन्फर्मेशन मिला, ये जो हाई था लो बनाया, हाई लोअर, तो यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट होना चाहिए, तो अराउंड इस जोन में, तो यहाँ से एक कन्फर्मेशन हमें मिल सकता है सेल के लिए, तो यहाँ पे सेल कर सकता है आप, ये जोन में सेल कर सकता है। लेकिन इसमें सेल करने से आपको क्या होगा, आपको एसएल कहाँ लगाना है, एसएल तो आपको लगाना पड़ता है 1 आवर, हाँ 1 आवर इज टू 2 आवर लेना चाहिए, नहीं तो 2 ATR नहीं तो 3 ATR भी ले सकता है SL। और आप अगर यहाँ पर 1 आवर ले ले तो इसमें अब हम देखेंगे 1 आवर होगा रिस, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट रहेगा यहाँ से 2 आवर,
राइट टू आर, टू आर हमारा प्रॉफिट होगा, ये टू आर, तो दिस इज आवर प्रॉफिट टारगेट। तो इसलिए अगर अब आपको यहाँ पे मिल सकता है तो सेल में जा सकता है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।